तजर्बा किया गया, 3 बार नाकाम हो चुका। कट्टे मर जाते हैं, उन्हें भैंस का दूध नहीं मिलता। और काश्तकार जो है जिसको दिया जाता है उसको तजुर्बा नहीं है इस काम का, काम सिखाने पड़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में 130 किलो तक गाय दूध देती है, अफ्रीका में भी अच्छी कुछ नहीं सही तो 30-40 किलो तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ जहांगीर तरीन ने मंगवाई। वैसे वो जहांगीर तरीन का जिक्र है तो मैं आपसे कहूँ कि वो इतला इसकी दुरुस्त है खबर की, और वो बड़ा हरीस आदमी है इकतदार के मामले में, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो तो खैर नहीं बन सकता था इमरान खान को देव को, लेकिन वो इसका जानशीन ज़रूर बनना चाहेगा। अच्छा। और उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा, और वो बात ठीक है वो असद उमर के ख़िलाफ़ है। वो इकतदार में हवस ही होती है, हिरस ही होती है, इकतदार चीज़ ऐसी बहुत कम लोग इससे बचते हैं। अच्छा, ये मुर्गियों जो अगली बार जगह पर किया गया है तजर्बा, दिन के बाद लोग ज़बह करके खा जाते हैं, इतनी पेशेंस थर वालों में है, बलोचों में है, वो मुर्गियाँ पाल सकते हैं। मैंने कैंपों में देखा था जब कहत पड़ा था कि 2 मुर्गियाँ थी तो वो सैकड़ों मील से उठा लाए थे, भाई 2 अंडे दिए तो बच्चों को खिला दिए, बच्चे तो महफूज हैं। और ये बकरियाँ पालते हैं थर वाले, ये बड़ी पेशेंस का काम है, ये डेजर्ट के लोग कर सकते हैं। मैदानों, ये जो मैदानों में गंदम जिनको मिलती है खाने के लिए और चावल मिलते हैं, इनकी आदतें और हैं। ये तजुर्बा नाकाम हो चुका, ये है आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हर माशरे के अपने मॉडल होते हैं। और ये भी बड़ा है कि ये हमारे माशरे में एक नफ्सियात है बाज़ चीज़ों से हकारत। मैंने एक दफ़ा बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, स्टोर खोला था तो एक अवान था, वो उसका मैनेजर था, तो उसको मैं कहता था फल और सब्जियाँ रखो,